भूषण ज्वेलर्स। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से जो वादे किए, जो भी चुनावी गारंटियां दी, एक भी पूरी नहीं की। अब देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनावों में इस तरह गारंटी देकर देश भर में लोगों को ठगना चाह रही। अब लोग समझ गए हैं, उन्हें बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता। अब कोई भी कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाला है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के नेताओं ने हिमाचल की मातृशक्ति को प्रति 1500 रुपए देने की गारंटी दी। चुनाव से पहले ही माताओं बहनों से इसके लिए फर्जी फॉर्म भी भरवा लिए थे। अब चुनाव जीत गए तो कांग्रेस नेता कहते हैं कैसी गारंटी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में हो रहे विधानसभा के चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश की तरह चुनावी गारंटियां दे रही, लेकिन पूरे देश ने हिमाचल से सबक ले लिया है। कांग्रेस के नेता मंचों पर ही जनता द्वारा तिरस्कृत किए जा रहे हैं। देश के लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किया गया वादा कहां गया। बड़े से बड़े नेता छोटी छोटी जनसभाओं में सीना ठोक के सारी गारंटियां तत्काल लागू करने की बात करता था, लेकिन एक साल में भी एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए। जो हिमाचल में जिस प्रकार से झूठी गारंटियां दे करके उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी वो प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता, निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रकार से झूठी गारंटियों पर नहीं जाएगी। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने प्रयत्न किया, अभी भी मैं देख रहा हूं कि और यहाँ 11 उन्होंने अपने वचन दिए हैं उसमें, जिसमें यहाँ पर भी कहा कि 1500 रुपये महिलाओं को, मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश में आपने अभी तक एक साल के कार्यकाल होने के बावजूद भी अभी तक लागू नहीं किया, अभी तक दिया नहीं, और उनके मुख्यमंत्री यही कहते हैं कि हमारे पास अभी वक्त है, आने वाले समय में हम सोचेंगे, तो आने वाले समय में सोचने का विषय नहीं, लेकिन आपने कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में, और इसी तरह से बिजली की बात कही, यहाँ पर किसानों का बिल माफ करने की बात कही, क्या इससे पहले जो पिछली बार जब जहां पर 2018 में जब चुनाव हुआ था, उस वक्त जो वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने, और 15 महीने तक यहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकार में सत्ता में रहने का उनको अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उन्हें वादे पूरे किए? क्या उन्हें जो कमिटमेंट्स की थी, जो किसानों का ऋण माफ करने की बात कही थी, क्या वो ऋण माफ किए? क्या जो बच्चों के लिए जो मेधावी छात्र हैं उनको लैपटॉप देने की बात कही थी, वो लैपटॉप उन्होंने दिए? क्या उन्होंने जो कमिटमेंट्स उस वक्त की थी तो उन बातों को पूरा किया? और उसी प्रकार से जो 11 कमिटमेंट्स यहाँ पर उन्होंने की हैं, मैं ये मानता हूँ कि उसी तरह का प्रयत्न है जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में गुमराह करने का उन्होंने लोगों को प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, उसी तर्ज पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में झूठ बोल करके सत्ता हासिल की, और उसके बाद उन गारंटियों के बारे में अब लोग चौक चौराहे पर पूछ रहे हैं। और सिर्फ 11 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ रसातल में चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।